मॉर्निंग एवरीवन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, तीन का रूम भरे पड़े और तीनों रूम में इतनी हालत खराब है कि एक भी दूसरा इंसान आने लायक जाए। लेकिन ड्रम को चाय नहीं ला रहा था ना। देखो क्या बढ़िया है, हार गई रहा तो बिछाना कर। देखो हालत खराब बना रही है ना, ना ना पूरे कमरे फुल भरे हुए हैं तीनों के तीनों, ऊपर भी यहाँ पे भी। ये पता नहीं था कि पापा का फोन नहीं चल रहा है। बहू ने घूमट मार लो। देखा इधर बैठे संजय, संजय चौधरी। ये कहाँ से ले आए तुम? इस बच्चे ने चोरी कर ली, मैंने बोल दिया कि पुलिस बुला रहे हैं, तो ये रोने लग गया ना। वैसे कह रहे है ना, पुलिस आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे टीपा चाचा से कह देंगे पुलिस छूट जाए यहाँ ललो और राहुल चाचा आ जाए। देखो दंगल मचा है यहाँ पे, दंगल, कोई किसी की नहीं सुन रहा, ये हाल है। सोने के दो मिनट बाद ही एक मिनट से दिखा, अरे ये तो खिड़की पर पेटीकोट लटक रहा है। उसको देख के बार बार मिलता, आँख खुल जाती। अच्छा आँख खुल जाती, आँख खुल जाती। हमने सुन लिया, हमारी हंसी निकल गई। हमने सुबह ऐसे देखा गलती से, सोई वो भी सीखा है। ये तो बिना बाप बिना सिले पर्दा बनाए थे। पर्दा है तो पर्दा है, पर्दा है तो पर्दा है। ऊपर दिखाया जा सॉरी, ऊपर का झूला है वो कार के पैर की। हां उन्होंने तारे की मेहंदी का बोली आती जाओ, ठंड बहुत है। और ऐसे बैठे हैं, यहाँ तो मस्ती हो रही है। और घर दिखाऊं मैं अपना, तो मेरे घर का इतना हाल खराब है कि इसको जब साफ सफाई करेंगे ना तो सारा दिन लगने वाला है। देखो पूरा घर बुरा सा पड़ा है, ये देखो यहाँ से लेके पार्क तक। इधर तो किसी ने कोई दारू वारू पी के रात को आ गया, उसके पेड़ के पत्ते भी तोड़ दिए। देख लो पूरे में ये हाल हो रहा है। और अभी ऊपर वाला रूम भी ऐसे ही भरा पड़ा है, नीचे वाला भी। आज मैं कम से बहुत टाइम लगने वाला है सफाई करने में। वैसे तो आज घर भी जाना था हमें, पर लग रहा है मुझे घर जाने में पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि काम इतना हो रहा है और ये सफाई पाई करके निचे होंगे तब कहीं जाना होगा। देखते हैं कितने बजे जाते हैं, अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा कुछ भी। इधर देखो ये भी रूम मेरा भरा पड़ा है, ये पापा लेट रह गए बस यहाँ पे, और बिस्तर खाली हो गए, सब लोग चले गए छोड़ छोड़ के। और ऊपर भी यही हाल है, यहाँ पे ये लड़के लड़के सो रहे हैं सब। ये पूरा भरा पड़ा था, बच्चे कुछ यहाँ से उठ के तीन चार तो नीचे चले गए। अब चुपचाप उठ के जल्दी जल्दी ये बिस्तर फिस्तर उठवाने, नहीं तो मौसी बुआ की हालत खराब है, जाइए अकेले। इसमें कौन सा सो रहा है? सुरजीत और राहुल है, सुरजीत है। राहुल कहाँ गया? नीचे तो दिखाई नहीं दिया। सर्दी लगी रात को कि नहीं? अब बता, मैं हर चीज का इंतजाम करके गई थी आप लोगों के लिए, अपने बारे में नहीं देखा कुछ भी। और इधर सोई थी अंजलि, ये तो अंजलि तो अपना बिस्तर विस्तर सब उल्टा सीधा कर गई और अपना बिस्तर लेके भाग गई नीचे, वो नीचे पहुंच गई अब। तो गाइज अभी मतलब सब लोग जा चुके हैं, मैं और मम्मी बचे हैं। मम्मी अभी पीस ना करेंगे क्योंकि घर पर आटा ले जाना, तो अभी भाई बाद का भी इंतजाम करना है, बाद में भी खाना है। ऐसा तो है नहीं अभी अभी खा लो काम हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला है। कल भाई काफी ज्यादा काम किया था, ऐसे बहुत ज्यादा थक गए थे। तो एंडी देखो हमारे साथ मंजीत भी है, तो आज थोड़ा सोए, उसके बाद आज ज्यादा कोई काम नहीं किया हमने। मेनली मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, ज्यादा क्या मैंने कुछ किया ही नहीं आज। अभी वीडियो एडिट कर रहा था तो हमारे मंजीत बाबू आ गए। कैसे भाईजान? बढ़िया, चलो बढ़िया रहो फिर, क्या है ना, अच्छी बात है ना, बढ़िया रहना चाहिए। चलो तो अभी ना मम्मी कुछ ना कर देते हैं, फिर निकलेंगे, हम भी लेट हो रहे हैं।
यमुना ब्रिज पे हैं हम। आज वो वाला रोड बंद है तो हम इधर से निकल रहे हैं, ये देख रहे हैं यमुना ब्रिज पे जा रहे हैं अभी। आज उधर से इधर नीचे से तो चढ़ रहे हैं लेकिन उधर से नहीं आ रहे, ऐसा हो रहा है। सो गाइस अभी फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं एंड भाई बहुत ज्यादा थक चुके हैं एंड मिलिए हमारे जाने माने गैंगस्टर से। हाँ भाई गैंगस्टर क्या हाल है? बेचारे की ना गैंग है और ना स्टर है, बस ऐसी नाम रख दिया गैंगस्टर। आइए बियर खाते हुए ये ले आए थे, इनका मन कर रहा था। एंड भाई अभी बहुत ज्यादा थक गया तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो गाइस क्या बोलो, कुछ बोलो, कोई तो बोलो। बहुत थक गए हैं। वो तो हमें पता है, दीदी ने तो तब भी थोड़ा रेस्ट कर लिया, हमने तो अभी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। अरे तो आगे भी मिच रही है और ये पूरा दर्द कर रहा है, ये पूरा। कौन सा पूरा? ये सर, ये। अच्छा ये वाला सर, ये वाला सर। ओके ओके, बहुत दर्द कर रहा है। सोया कोई नहीं है, राहुल भी थक गया है, देखो राहुल का चेहरा, इसको भी नींद आ रही है। इधर इधर चेहरा आता है। अब ये सब सो जाएंगे, मैं तो दिन में थोड़ा सा सोने के लिए पड़ेगी, हम सब सोएंगे। बहुत ही नींद आ रही है गाइस एंड अब बहुत सारा थक गया, बैठा भी नहीं जा रहा, तो अभी सोएंगे। चलो गाइस अब आप तो सो जाके चाय पियोगे, चाय बना लो। बना लो यार, एक बना जल्दी बना, हम जा रहे हैं 5 मिनट पहले बस बना। तो अभी दीदी चाय बना रही है, थोड़ी बनाई चाय पीते हैं।